ये मेकअप बॉक्स भाभी ने मंगाया था तो ये भाभी के लिए है। लो भाभी जी, ओनली फॉर यू, थैंक यू। दोनों हाथ का ऊपर। तो दोस्तों ये ना ये बड़ी वाली दीदी लेके आई तीनों के लिए एक जैसा। डाबो देखो, तीनों को देखो। ये दोस्तों नमस्कार, वेलकम है आपका कल्पना ब्लॉग में। मैं हूँ कल्पना। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार और साथ वालों के लिए फाइव फाइव। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ जबरदस्त मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ जबरदस्त और मस्त हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे से। और अभी आप मेरे बाल खुले देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे बाल खुले क्यों कर रखे हैं। तो बाल खुले इसलिए कर रखे हैं क्योंकि मुझे अभी बाल बनाने हैं। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल। आज मैं बहुत खुश हूँ। और आज मैं कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। खुशी करा। आज मेरा मुँह थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मोटा मोटा सा। मोटी हो गई क्या मैं? पता नहीं, हो सकता है। अभी नायक का ब्रश देखो, स्कूल से आने का ब्रश हो रहा है। अभी खाना खाया इसने, ब्रश हो रहा है। कभी कभी बच्चे एक टाइम ब्रश करने के लिए रोते हैं, कभी कभी ना दो तीन तीन टाइम भी ब्रश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों होते हैं फटाफट से तैयार। आपको मैं अपनी पैकिंग दिखाती हूँ, आप पैकिंग देख के गेस करो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा एक बैग, दो बैग, तीन बैग और एक बैग है नीचे। और अभी ना मैं तैयार भी हूँ। ये देखिए ये है। और आज मैंने और पतिदेव ने ट्विनिंग किया है। दोनों का झगड़ा चल रहा है। किस चीज़ में झगड़ा चल रहा है भाई? ये खाना है, अब भी तो खाना खाया। देखो दोस्तों अलग अलग दिखाना कितने फ्लेवर है इसमें। हाँ सही बात है। हाँ देख रहे कौन कौन से फ्लेवर है। चॉकलेट वाला दिया तुमने इसको? हमारे टाइम पे 1 रुपए का क्रीम रोल आता था। कितने का ये अभी? 20 रुपए का। आप ये गीजर बंद कर दो भाई, किचन का गीजर खुला है ऊपर। अच्छा आप ना आप भी खा रहे हो। मैंने अपने लिए ला रखे थे एक क्रीम रोल है, ये देखो दोनों। तो चलिए दोस्तों आप गेस करके बताएं मैं कहाँ जा रही हूँ, जब तक आप आगे का ब्लॉग देखते हो। और चलिए फिर मैं भी फटाफट से रेडी होती हूँ। दोस्तों मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने पहना है ये पजामा और ये ऊपर का वो गर्म पजामा पहना है, जीन्स नहीं है ये, क्योंकि चम्मा में बहुत ठंड है और मुझे यहाँ से बैठना है और से चम्बा ही उतरना है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं सिंपल बन के। चूड़ियाँ मैंने अपनी गूंथ ली है। तो मायके जाना, तो मायके तक ऐसे भी जा सकते। ससुराल जाना होता है तो सूट पहनना पड़ता है, लेकिन मायके जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ मैंने रिवील भी कर दिया हम मायके जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मायके जाने की खुशी में आधे बैग तो मैंने गाड़ी में रख दिए, आधे यहाँ पड़े हुए। चलिए चलते हैं। खुशी देखो मेरे चेहरे की, मायके जाने की अलग ही खुशी होती है ना। निकल चुके हैं ऋषिकेश से और अतिदेव और मैं। कहाँ जा रहे हैं विनायक? हम नानी के घर। अच्छा है, अच्छा हाँ तभी तो कह रहा है वो रेड हो गया। तो दोस्तों चलिए सफर का आनंद लेते हैं, निकल चुके हैं हम। आज मैं गोरी लग गई जबकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया चेहरे पे। यहाँ देखो हमें तो मिट्टू पापा खाने लगे। मिट्टू तो ज्यादा ही लग रहा है वो है, मिट्टू तो ज्यादा ही काला लग रहा है वो। तो जैसे ना मैं ना ऋषिकेश से ऊपर होती हूँ भद्रकाली से ऊपर ना, ये पहाड़ ये पेड़ पौधे दिखने लग जाते हैं ना मुझे, मुझे लगता है हम गांव पहुंचने वाले हैं। क्यों बाबू फील आने लग जाता है गांव गए? लेकिन फिर भी ना मतलब ये ऐसे पहाड़ दिखने शुरू आते तो ये क्या है? अच्छा तो हैप्पी यो, कहाँ जा रहे हैं हम? ओके आपको कैसा लग रहा है गांव जाने के लिए बताओ? घर है गांव में, नानी का घर है। ओ क्या गिर रहा है? तो दोस्तों ये देखिए हम आ चुके हैं ऊपर। क्या गिर रहा है वो? पता नहीं यार क्या गिरा। ससुराल जाने गए हैं वो, ससुराल गेंदा फूल क्या कर रहे? मुझे क्यों नहीं दुख है तुम्हें? मैं दुख भी नहीं लोग खुश होते ससुराल जाने के लिए। कौन होता है खुश?
अब देखते हैं कैसे खातिरदारी होती है आज। हाँ चलो देखते हैं दोस्तों, ये जो बोल ना ये बड़ी शिकायत है मेरे। बकरा मार रहे हैं। चिकन मटन तुम खाते नहीं, वेजिटेरियन हो तुम तो। अरे बकरा मार गए, जनता को खिला दो ना। ये हम पशु हत्या पे वो नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पे ना मम्मी के घर के पास यहाँ पे डोली आ रखी है और सब लोग ना डोली को छोड़ने आ रखी। जय हो की डोली वाली यार, हरी आई रे वाली पड़ी हरी आई। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मायके, यार लोग पहले से ही पहुंचे हुए दिल्ली वाले हैं। कौन है तुम? कौन है तुम? यार कहां से आए तुम? नमस्ते। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा, गुड। देखो जरा पहुंच गए लोग, ये लोग तो काले भी हो गए भाई, गांव सुबह यार। मैं नहीं, ये देखो लोग गांव आ गए काले। मैं तो सही हूं, अभी बेहतर बड़ू आएगा ना। तो दोस्तों ये देखिए मुझे ऊपर लेने आ रखे हैं। नमस्ते, और ठीक है? बिल्कुल बढ़िया एकदम। मस्त लगा ये अभी ना, रुक जाए एक मिनट हुआ। क्या बोलते हैं, बैग है अंदर, बड़ा बैग है अभी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, मैं मम्मी से मिल चुकी हूँ। मम्मी की थोड़ी पाँव में चोट लगी है मुझे अभी पता चला। तो ये भाई ठंडा तो काफी है, यानी ठंडू बहुत हो। और यहाँ देखिये दिल्ली के लोग ठंड कुछ मत, यहाँ देखो दिल्ली के लोगों को ज्यादा ठंडा लग रहा है। और यहाँ देखिए मंदिर माता रानी, नमस्ते करो माता रानी, ऐसे नमस्ते करो। मम्मी पाँव में चोट लगी। दोस्तों हमारे लिए आए हैं नमकीन बिस्किट एंड चाय। देखना दामाद जी के लिए कांच वाले ग्लास में चाय, गोली चाय इनके लिए, और हमारे लिए देखो ग्लास में चाय। दोस्तों विनायक ने ना इसके पापा ने कुछ लाए थे, क्या था वो, क्या बोलते हैं इनको, पजल टाइप के सॉल्व करने वाले ना। हाँ। तो इसने ना मिठू ने घर बनाया, दिखाओ कितना सुंदर है। इनमें थे ये सारे पार्ट फिट हो रखे थे। और ये देखिए विनायक हाथ में करना, कैसे बनाया आपने इसको, उठाना बेटा हाथ में घर को। वाओ, आप हमें भी रखोगे इस घर में अपने साथ? कोई नहीं जा सकता इसके अंदर, घुस जाएंगे यार हम। मम्मी ये कहाँ लगेगा? कितना सुंदर बनाया है, मतलब अकेले मिट्ठू ने नहीं बनाया, मदद और लोगों ने भी किए, क्योंकि बहुत कठिन था, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था। और लवी को देखो, लवी तोड़ने के लिए आता हुआ। चाबी दी स्कूटी को, किसका है? तो दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी मार्केट जाने के लिए। और ये देखिए पूरा कोहरा लग चुका है, चंबा का तो मजा है। और ये हमारे घर में लड़िया भी जल चुकी हैं, ये मम्मी लोगों का घर, ठीक है, यहाँ लड़िया जल चुकी हैं। और चलिए थार भी स्टार्ट हो रही है हमारी, ये हम आगे तक छोड़ के आएंगे स्कूटी में। डॉन जा रहा है डॉन, यू के 09। चलो स्टार्टिंग करो, ठीक है, वैसे स्कूटी फंस कर चल पड़ ठीक है। चलो ठीक है दोस्तों, यो। तो दोस्तों सट्टी थार स्टार्ट हो चुकी है, चलिए भाई चलो 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 चलो। तो चलो दीदी और मैं आगे वाली सीट में बैठेंगे, किसमें तो बड़ी दिक्कत है पीछे बैठने की, हम दो पतले पतरे पतरे हो चले गए दोनों। चलो अंदर बैठे। तो हम आ चुके चंबा, और मैं चंबा मैंने पहली बार ऐसे देख रही हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, लड़िया लगा रखी है चंबा प्रगति पर। अभी भी देखो आज दिवाली की वो लग, दिवाली की दुकान है, पटाखे भी, हम पटाखे भी लेने भाई उसने सज रखे हैं। हाँ ये बिठो दो पटाखे लेना, पर बने खतरमैन का भी ले लेंगे हम पहले। तो बुआ मैं तेरे भरोसा ही पटाखों। दोस्तों चम्मा में है हम अभी, और ये है वीसी गब्बर सिंह जी का मंदिर हमारा, और हम चम्मा में पहुंच चुके हैं। चम्मा की चकाचौंध देखिए तुम, रात की लाइटिंग में थोड़ी भीड़ भाड़ कम है, यहाँ पे सिर्फ लोकल लोग घूमेंगे अब, है ना। और दीदी और मैं आगे कैमरे के पीछे हैं, दिखाते हैं दोस्तों चम्मा पहुंच चुके हैं, और चम्मा हमारा घर जैसा, तो हमें तैयार होकर आने की जरूरत है। चश्मा दी रहे मैं पहने चश्मे, पछाड़ तो नहीं ना तब इन्हें पछाड़े जाला। चलिए अब हम जा रहे हैं यार, चम्मा कैन खींचने यार। चलिए दोस्तों दीदी कह रही तेरा आईफोन खींच के ले जाए, मैं ढूंगा कपाल बड्डा। तो हम पहुंच चुके हैं भाभी की दुकान में, प्रिय भाभी हमारी, हाँ यहाँ देखिए लोग। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भाभी की दुकान में, अंदर है ना, भाभी घर जाने तैयारी एकदम। हां इधर मैं पकौड़ा डाल दूंगी।
तो दोस्तों यहाँ देखिए एक दो तीन चार लोग आए जस्सी भाई की दुकान में। भाई व्यस्त है, क्या लेने आए भाई तुम पता करने लगना जनता चाट गुजर सब सुबह ठंड दे रहे सो वक्त अब पता नहीं क्यों गोरी लग रही है। घर में देखे मैंने काले यार मैं देखा सबसे गोरे आज नहीं लग रही मैंने ना। चलिए दोस्तों मैं दीदी आप गिफ्ट गिफ्ट दे रिकॉर्डिंग नहीं वो आपको ही देंगे कैसे लग रही उसमें देखना शीशे में देखना देखिए सही लग रही क्योंकि बारीक बहुत देख ले पहन के पर बारीक बहुत बारीक लग रही है ना इधर देख लड़कों पे घर सोमा ठीक है ना लड़कों पर भी अच्छा बहुत बारीक है ये भी स्टोन है आसू मेरे उंगली में डाली बेटा नमस्ते नमस्ते क्या करो तुम मारा करो तो पता चले देख लेना चाहिए बार तो वो तो बाहर वाले मार देंगे कोई घर में निपट चुके वाली मार चलो लेके चलो घर सोना ना बहुत महंगा है भैया। दोस्तों हम लोग हैं चंबा से ना समोसे और ब्रेड पकौड़े कैसा हो रहा था ठीक हो रहा था बहुत सत्कार का समोसा कह ली दोबारा डुबाएगी तेल में हाँ दोबारा चलते हैं ना वो एक बार बीमार समोसा तो बढ़िया बनाते हैं अब वो क्वालिटी हो जाएगी उससे फंड होंगे तो दोस्तों हम आ चुके हैं चंबा से घर और बड़ी वाली दीदी ना दीदी मैं तो बोले लेके आई स्वेटर है आपको नहीं चाहिए अरे बड़ी मम्मी आप बड़ी माँ के लिए कर लेंगे ठीक है ये बड़ी मम्मी आपके लिए गिफ्ट लाई है बोलो थैंक यू बड़ी मम्मी पीछे पीछे जाओ थोड़ा पीछे आना ये गले में कंधे में हाथ रख ये हाँ ऐसे यहाँ देखो तीनों ऐसे करो यो तो ऐसे हाथ ऐसे लगाओ कमर पे हाथ दो सब और ऐसे भी ऐसे बॉडी बनाए ऐसे दोनों हाथ ऊपर करो तू भी कर ला भी दोनों हाथ करूं पर तो दोस्तों ये ना ये बड़ी वाली दीदी लेके आई तीनों के लिए एक जैसा डाबू देखो तीनों को देखो ये बोलो थैंक यू बोलो बुआ को बड़ी मम्मी को बोलो थैंक यू बुआ थैंक यू बुआ। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएगा तीनों कलर अलग अलग है आप बताएगा तीनों तो दोस्तों पति देर जा रहे हैं उनको ससुराल में अच्छा नहीं लगता ड्यूटी 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 कुछ नहीं जा रहे दोस्तों के फोन आ गए थे पहले जब आ रहे थे कि भैजी इधर आना मुझे मैं पहले पता था बस ही तो हो जाएंगे तो ये वहाँ जा रहे हैं काम से जा रहा हूँ चलो ठीक है तबे बाय नाश्ता हाँ वो स्वाने बनाने दाल के ठीक है स्वाने बनाना ठीक है तो कम भरे मैं ना मेरी बहन नहीं कहा कोई नहीं हम ज्यादा भरेंगे भाभी अच्छा बनाती है मैं ना वैसे तो कुछ लेके ये दिवाली की मिठाई है टोकरी में बनाई थी मैं मुझे लगा टोकरी ना भारी हो जाएगी ज्यादा तो मैं थैले में लेके आई जानदर हैप्पी दिवाली भाभी मिठाई आप खा भी ठीक है और ये मम्मी के लिए लिफाफे लेके आई हूँ ये मम्मी को दान देने के लिए चाहिए थैंक यू और ये क्रीम मैं मम्मी के लिए ले गई पिछली बार मम्मी बोल रही थी मेरे पास क्रीम नहीं है लगाने के लिए क्रीम वन मतलब नहा तो फाड़ दी पर सबका लगा ठीक है तो ये मम्मी के लिए क्रीम लेके आई हूँ और ये मेकअप बॉक्स भाभी ने मंगाया था तो ये भाभी के लिए लो भाभी जी ओनली फॉर यू थैंक यू ये पर ही रख दिया आई थे तो ये मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ बैंगन इसमें सब बैंगन है जो जीनू ने दिए थे मम्मी
और ये लेके आई हूँ लड़ने के लिए। कैसे? हाँ आपके लिए ट्राई कराएंगे। हाँ पहनी पहनो आ भी नहीं कैसे लग रहे अच्छे वो थैंक यू बुआ जा उनको दिखा के बनी भैया को जाए थोड़ा बड़े हो गए शायद। और ये मम्मी ने कपड़े मंगाए थे हारून का उन्होंने आते अभी ये दिखाती नहीं उन्होंने पहले देख लेंगे ब्लॉग में तो ये कपड़े ये बच्चे के लिए मंगाए मम्मी ने लोगों ने चम्मा मेरा बहुत ठंड होती है तो मैं मम्मी के लिए ना गर्म कुर्ती लेके आई हूँ। मम्मी भाई पहन देखो फटाफट ले लिया उसी के ऊपर पहन के दिखाओ पहले ऐसे करके दिखा ना अच्छे भाई अच्छे 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 सुनती मम्मी जबरदस्ती अच्छे वो बोल रही है अब मम्मी पहन के दिखाएगी पहले जो पहन तो दोस्तों ये है वो कुर्ता जो मम्मी के लिए लेके है और मम्मी को शायद पसंद है मम्मी ने ऐसे उठा ली जबरदस्ती अच्छी है बस सही बोल रही थी ना ना अगर आप छुट्टी लगो तो सुबह दे सुबह पहन ले कोई जबरदस्ती नहीं तो दोस्तों चंबा आ गया ना ये देखो पानी ये देखो ये लोग पीछे से आ रहे क्योंकि यहाँ पानी की बहुत कमी है। ये देखो सोबा बड़ी बाल्टी ला रही है और आशु दो ला रहा है अपने हाथ में तो भाई चंबा में ना पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। ये देखो उफ ये देखिए दोस्तों सोबा पानी ये मेरी बाल्टी मैंने उतार दी क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है सुबह झुकन पड़ बोली। ये देखो आशु तेरी कहाँ है चल आशु भी चल ना तो मैं हाँ। एक ही डैम्पर ये देखिए भाई पानी यहाँ पे ना बहुत दिक्कत है पानी की। अब मैं ये ले जा रही हूँ क्योंकि मेरे गिरने का डर ज़्यादा है तो चलिए दोस्तों अपने को पीपा मिला है पीपा अपन ये ले जाते हैं ठीक है।